स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली हो गई है सीरत और रणवीर की शादी। चौहान शाह की इतनी प्लानिंग, इतने ड्रामे के बाद फाइनली कार्तिक ने दोनों की शादी करा ही दी। लेकिन बता दे कि अभी भी शो में आने वाला है ट्विस्ट, जब अपनी ही विदाई के वक्त सीरत अपनी गाड़ी से उतर कर आएगी कार्तिक के पास रणवीर को छोड़कर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल इससे पहले आप सभी देखने वाले है की सीरत और बैठे होंगे मंडप में और ऐसे में सीरत की निगाहें ढूंढ रही होंगी सिर्फ और सिर्फ कार्तिक को। कार्तिक को अपने सामने ना देखकर सीरत होगी परेशान और पूछेगी कायरव से उसके पापा के बारे में। लेकिन दोस्तों, अब कार्तिक इनकी शादी में हो तो वो सीरत को नजर आए, यानी यहाँ पर कार्तिक जा पहुँचेगा नरेंद्र चौहान के पास और उसे धमकी देता हुआ आएगा नजर। जी हाँ, यहाँ आप देखेंगे की सीरत साफ साफ चौहान शाह को धमकी देता हुआ नजर आएगा कि वो सीरत और रणवीर की जिंदगी से दूर हो जाए अगर उन्होंने जरा भी कोशिश की दोनों की लाइफ में फिर से प्रॉब्लम्स लाने की, तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे कि कार्तिक चौहान शाह का भांडा फोड़ करता नजर आएगा और उन्हें ये भी धमकी देगा कि अगर वो चाहता तो वो मीडिया या पुलिस के पास भी जा सकता था, लेकिन उसका मकसद उनकी इमेज खराब करना नहीं है बल्कि उसे अपने दोनों ही दोस्तों को खुश रखना है। चौहान शाह कार्तिक की इस धमकी से डरते हुए भी आएंगे नजर और इसके बाद कार्तिक आएगा सीरत की शादी में। कार्तिक को देख सीरत होगी बहुत ही ज्यादा खुश, फाइनली दोनों की शादी हो जाएगी पूरी। इतना ही नहीं, सीरत जो मैच जीत चुकी है इसके बाद मीडिया वहां पर आएगी और लेगी इंटरव्यू सीरत का और इसी के साथ आप देखने वाले हैं सीरत की विदाई। जी हाँ, सीरत रणवीर के साथ अपनी डोली में बैठकर जाएगी अपने रणवीर के साथ। लेकिन इसी के साथ आप देखने वाले हैं कि सीरत तभी बीच गाड़ी से उतर कर आएगी और आकर कार्तिक के सामने खड़ी हो जाएगी। एक इमोशनल सा मोमेंट हमें यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। अब सीरत यहाँ क्या करेगी ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग, तो देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।